सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपको बनाना आ गया तो पूरा मार्केट उसी पे काम करता है, बिलीव नहीं करोगे। कोई वॉल्यूम कुछ भी आपको कोई भी एनालिसिस नहीं आती है, लेकिन आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो ना, तो वहां से ही दोस्तों आप अच्छा खासा प्रॉफिट डेली कर लोगे। ठीक है, देखो सपोर्ट से ही मार्केट ऊपर या तो नीचे जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस से जो है मार्केट ऊपर या तो नीचे जाएगा, ये कन्फर्म है। आप कोई भी दिन का कोई भी डेट का बैंक निफ्टी निफ्टी या फिर कोई भी स्टॉक का चार्ट को उठा करके देख सकते हो। आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट को देख लो, इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, हर जगह सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहां पे वर्क कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे बहुत से लोग बोलेंगे तो फिर 90% ट्रेडर लॉस में क्यों है? तो दोस्तों यहां पे मेन रीजन ये होता है, सबको पता है कि सपोर्ट से मार्केट या तो ऊपर जाएगा या तो अगर वो ब्रेक होगा तो मार्केट डाउनफॉल होगा। लेकिन दोस्तों जब लाइव मार्केट में वो ट्रेड करते हैं ना, तो वो चीज कर नहीं पाते। किसी की भी साइकोलॉजी, मतलब 90% की साइकोलॉजी, 90% ट्रेडर की साइकोलॉजी ऐसी नहीं है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस में ट्रेड ले पाते हैं। और एक चीज बता दो दोस्तों, 100 में से अगर 90 लोग जो है ना, मतलब 100 लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है, तो 90 लोग उसमें से ना अपनी स्ट्रेटजी भी काम नहीं कर पाते लाइव मार्केट में। हाँ, वो सोच लेंगे कि ऐसे मैं ट्रेड लूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे प्रॉफिट निकालूंगा, ये मेरा स्टॉप लॉस, ये मेरा टारगेट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। स्टॉप लॉस से ज्यादा लॉस बुक करते हैं, टारगेट से कम जो है प्रॉफिट में निकलते हैं। ऐसा अक्सर होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता होगा। अब दोस्तों आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो आप चार्ट खोलो, ठीक है, इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, चार्ट खोलो और जाके वहां पे देखो कि हर रोज ना पिछले कितने दिनों का भी आप चार्ट देख लो ना, आपको ये चीज मालूम पड़ेगा कि सपोर्ट से ही मार्केट उठा है, सपोर्ट से ही मार्केट गया है, या फिर रेजिस्टेंस से मार्केट उठा है और रेजिस्टेंस मार्केट नीचे की तरफ जो वापस से बाउंस बैक हुआ है। तो दोस्तों यहां पे मैं अभी जो जाऊंगा चार्ट के ऊपर, वहां पे कुछ एग्जांपल मैं भी दिखाऊंगा, अभी से ही प्रीवियस डे का दिखा दूंगा, जहां से दोस्तों आपको मालूम पड़ेगा कि हां ये चीज सही है। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से बनाना सीख गए और आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, देखो कुछ भी मैटर नहीं करता यार, सिर्फ साइकोलॉजी आपको आपकी जो है स्ट्रांग करनी पड़ेगी। अगर आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग है ना, तो आप पैसे को यहाँ पे बना पाओगे, क्योंकि बहुत ही आसान है ट्रेडिंग में पैसा निकालना। और कोई भी एनालिसिस नहीं आता है ना, मतलब थोड़ी बहुत बेसिक तो नॉलेज होनी ही चाहिए। आप कोई भी, मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, सिर्फ सपोर्ट, थोड़ी बहुत बेसिक एनालिसिस होनी चाहिए। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, बिना इवेंट के आप किसी भी जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे अगर आप बाई सेल करते हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। बस आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे अच्छे से इस हिसाब से रखना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से रखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखो, प्राइस एक्शन की वजह से ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम प्रेडिक्ट करते हैं। प्राइस एक्शन क्या होता है, तो प्राइस एक्शन ही जो दोस्तों हमें ये बताता है कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, कहाँ बहुत ज़्यादा बायर्स हैं जो सेलर्स को ऊपर नहीं जाने दे रहे सेलर, ये सब चीज़ें जो अभी फटाफट जाएंगे चार्ट पे देख लेते हैं। देखो मैं चार्ट के ऊपर आ चुका हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ, बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट में इस जगह पे एक सपोर्ट लिया था मार्केट, यहाँ से ऊपर की साइड चला गया था, फिर नीचे आया धीरे धीरे नीचे, और इस वाले जगह पे सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर चला गया। अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे, यहाँ पे ये पहला वाला ही सपोर्ट है, ठीक है। अब वहाँ वापस से देखोगे यहाँ पे क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम भी क्या हुआ, यही वाले एरिया से यही वहाँ पे वापस से सपोर्ट लिया इस वाले जगह पे, और फिर मार्केट देखो कितना अच्छा खासा यहाँ पे अपसाइड के लिए मूव हो गया। ये देखो ये वाला दो कैंडल में अच्छा खासा टारगेट जो भी यहाँ पे एंट्री बनाया हुआ ना, उसको अच्छा खासा इतना दूर का टारगेट यहाँ पे जो है मिला होगा। अब ये छोटा मोटा मूव नहीं है, 49,700 से लेकर ना 49,800 मतलब समझ लो कि 50,100 तक गया था। मतलब गाइस ये कितना मूव है, तो 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स का मूव है। तो दोस्तों इतना बड़ा पॉइंट सिर्फ दो से तीन कैंडल में यहाँ पे जो बैंक निफ्टी दिया था, और सिर्फ कैसे, तो ये सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी और यहाँ से वापस से नीचे आई, तो फिर उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे नीचे आती है और इसको ब्रेक करती तो क्या होगा, डायरेक्ट मार्केट नीचे जाता है, या फिर दोस्तों यहाँ से रिटेस्ट अगर लेती तो डायरेक्ट मार्केट ऊपर जाता। हुआ क्या, यहाँ से मार्केट ने रिटेस्ट लिया, मतलब ये देखो इस वाले जगह पे क्या हुआ कि इस वाले जगह पे नीचे आते आते इस वाले जगह से जो है मार्केट अचानक से जो यहाँ से उठने लग गया। तो अगर आप इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे रिटेस्ट हुआ ना, ये सब दिखा, ट्रेड कोई भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं लेता है। यहां पे आप देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बना तो रिटेस्ट मिल गया। देखो ये पहले, देखो ये पहले यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये एक सपोर्ट है, ये देखो ये वाला लाइन एक सपोर्ट था, ठीक है। अब दोस्तों देखो मार्केट में क्या है कि ये वाला रेड कलर का कैंडल बना, नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन बनेगा तभी तो हम सोचेंगे कि मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं किया है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है। तो ये समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि पहले एक बुलिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए। ये बुलिश कैंडल जैसे फॉर्म हुई तो हमको ये मालूम पड़ गया कि यहाँ पे जो रिटेस्ट हुआ है कि मार्केट जो ऊपर जाने वाला है, और इस वाले लेवल के आसपास एंट्री बनाओ, यहाँ तक जो आपका प्रॉफिट को बुक करो। और ये छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं, फिर बता रहा हूँ बहुत बड़ा प्रॉफिट है, यहाँ पे डायरेक्ट पैसा आपका ट्रिपल चौपल हो जाता, मतलब 3 गुना 4 गुना यहाँ पे हो जाता। अब दोस्तों मैं पास्ट में कहीं पे भी जाऊं तो आपको बहुत जगह, मैक्सिमम जगह पे आपको ऐसा मिलेगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस वाले जगह पे देख लो आप क्या हुआ, मार्केट इस वाले रेंज में था, ठीक है, इस वाले रेंज में था। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि पहले जो है ये वाले रेंज में था मार्केट, ठीक है, ये वाला एक जो है
ये वाले रेंज में था। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट में ना सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों, यहाँ पे दो बार मार्केट फॉर्म किया, मतलब एक बार रेजिस्टेंस का काम किया, एक बार सपोर्ट का काम किया। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर की साइड गया, ठीक है, इसको ब्रेक करके ये पहले रेजिस्टेंस था, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टाइम मार्केट एक ही पैटर्न में काम कर रहा है, ये वाला रेंज और ये वाला रेंज, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस। मार्केट यहाँ से ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गया रेजिस्टेंस तक, फिर यहाँ से नीचे आया, और फिर यहाँ से जो यहाँ पे गया और इसको रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, रेजिस्टेंस को जैसे ब्रेक किया, मार्केट एक ही कैंडल, दो ही कैंडल में जो अपसाइड के लिए इतना दूर का मूव दिखा दिया। तो यहाँ पे लोग कैप्चर नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है रिटेस्ट होने का टाइम ही नहीं मिला, हमको मालूम ही नहीं पड़ पाया कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन वाला माहौल यहाँ पे बना हुआ था, ये देखो। तो ऐसा नहीं है अभी यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा दिखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, इस वाले जगह पे अब मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो वही बात होगा कि पहले वाले सपोर्ट को मार्केट फॉलो कर रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया मार्केट सपोर्ट लेके, फिर नीचे आया, फिर मार्केट गया ऊपर लेके सपोर्ट, फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने अचानक से इसको ब्रेक किया, मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा। ये भी दोस्तों बड़ा मूव था, छोटा मतलब कि समझ लो कि 40-50 पॉइंट इजी कैप्चर वाला मूव था। चलो इसमें भी अगर किसी ने बुक नहीं कर पाया था, फिर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस ये बन चुका था, मतलब ये सपोर्ट बन चुका था, हमारा जो पहले रेजिस्टेंस था ना वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुका था, ये जो है सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पे ऊपर निकल गया और यहाँ पे कितना तेरा आधा से एक घंटा रहा, तो वापस से देखो कि नीचे में ये वाला इसको ब्रेक मिला और नीचे में ब्रेक जैसे मिला और ये देखो मार्केट कितना तगड़े तरीके से नीचे आया। अब दोस्तों ये पहला वाला जैसे ब्रेक हुआ सपोर्ट, इसको मार्केट नीचे आया और दूसरा वाला सपोर्ट तो यहाँ पे था ही हमारा। देखो जो समझ पा रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हो ईगर वापस से रिवर्स करके वीडियो देखना। यहाँ पे देखो दूसरा वाला जो हमारा पहले से सपोर्ट था उसको ब्रेक वापस से किया, तो यहाँ पे भी एंट्री लेने का एक अच्छा ऑप्शन था। तो देखो पूरा का पूरा मार्केट है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही काम करता, और आप यहाँ पे कितना प्रॉफिट करते तो इतना जो है यहाँ पे बुक करते, तो इतना ही प्रॉफिट बुक किया जाता है एनालिसिस के बाद, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी इतना ही निकालते हैं। अब आप अगर मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा है और आप सोच रहे हो, जैसे समझ लो कि मार्केट इस वाली जगह से फॉल होकर नीचे यहाँ तक आया और आप सोच रहे हो ये पूरा कैप्चर करने का, तो ऐसा कभी नहीं हो पाता है, ये कैप्चर पूरा नहीं हो पाता है। तो दोस्तों देखो कभी भी आप नोटिस करोगे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही पूरा मार्केट चल रहा है, बाकी और यहाँ पे कोई भी सुपर एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ही आप देख लो क्या हुआ, यहाँ पे दोस्तों क्या है कि मार्केट में पहले एक सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आया, फिर उसके बाद क्या गैप अप ओपनिंग हुई दूसरे दिन, तो मतलब क्या हुआ कि ये एक सपोर्ट है, नहीं तो और नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया, मार्केट ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई और दोस्तों यहाँ पे नीचे नीचे करके ऊपर यहाँ तक गया, ठीक है, फिर यहाँ से जो है नीचे आया, ठीक है। अब नीचे इस वाली जगह से वापस से सपोर्ट लिया और ऊपर गया, मतलब क्या है हमको यहाँ से क्या मालूम पड़ेगा कि ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, ये दोनों जो लेवल है ना, ये दोनों लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों लेवल बहुत ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं, क्योंकि दो बार मार्केट ऊपर गया है यहाँ से। आप यहाँ पे देख पाओगे, ये देखो एक बार इस वाले जगह से मार्केट यहाँ से एक तो गैप ओपनिंग दिया ही, उसके बाद उसे वापस से जो यहाँ से नीचे आया और यही सेम वही वाले प्राइस पे प्राइस रेंज में जो है मार्केट यहाँ से ऊपर के लिए निकल गया, यहाँ पे देखो ऊपर के लिए निकल गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस से क्या देखोगे कि मार्केट जो है वापस से वही काम किया है, यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है सपोर्ट को क्रिएट किया है इस वाले एरिया में, देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट क्रिएट किया इसी वाले जगह पे, इसी वाले प्राइस रेंज पे। अब दोस्तों एक चीज़ आपको और देखना चाहिए, मार्केट में रेजिस्टेंस कहाँ है, तो एक तो ये रेजिस्टेंस हो गया, एक तो ये रेजिस्टेंस का लेवल हो गया, एक ये रेजिस्टेंस का लेवल, एक ये हो गया, तो ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये थोड़ा बहुत ऊपर गया था लेकिन नीचे आया फिर वापस यहाँ पे आया ना, इसको आप रेजिस्टेंस मान लो क्योंकि प्रीवियस टाइम पे भी ये जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब दोस्तों आपका जो रेजिस्टेंस था, अगर मैं इसको लाइन के साथ ड्रॉ करूँ ना, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस को अगर मैं ड्रॉ करूँ, चलो ये हो गया, ये वाला एक लाइन हो गया, ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पे एक क्लोन बना देता हूँ और ये जो क्लोन है ये हमारा तीसरा सपोर्ट। अब दोस्तों देखो कि क्या आपने देखा कि मार्केट यहाँ पे जो इस बार क्या किया, नीचे आया फिर दोस्तों ऊपर गया, फिर दोस्तों नीचे आया, फिर दोस्तों इस बार ऊपर जाके जो इसको जो है नीचे आके वापस से थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, साइडवेज रहा और यहाँ पे क्या किया इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखो कि एक कैंडल का कन्फर्मेशन, दूसरे कैंडल का कन्फर्मेशन। अब इसको कन्फर्मेशन नहीं कह सकते, इसको कन्फर्मेशन इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आप क्या देखोगे कि एक भी कैंडल जो है ना, एक भी कैंडल अच्छी तरीके से फॉर्म नहीं हुआ, सब जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस में टच है, देखो। तो हम यहाँ पे कन्फर्मेशन कैसे करते, उसके बाद जो टच नहीं है वो क्या है, रेड कलर का कैंडलस्टिक है। तो हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए कौन सा कैंडल देखना पड़ेगा जो हमारे कम से कम रेजिस्टेंस में भी टच ना हो। यहाँ पे देखो कि इस ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल जो फॉर्म हुआ है ग्रीन कलर का, ये रेजिस्टेंस में बिल्कुल भी टच नहीं है। और तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले लेवल पे आसपास जो है यहाँ पे करीब जो है यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे, इस वाले लेवल के आसपास यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी। फिर देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना तगड़ा निकला, यहाँ पे देखो एक प्रॉफिट देखो आप कितना तगड़ा, इतना प्यारा सा प्रॉफिट, यहाँ से इतना दूर का इतना प्यारा सा प्रॉफिट निकला और ये बहुत ही बड़ा
बड़ा प्रॉफिट है अगर आप इस प्राइस पे नोटिस करते हो तो। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना हमेशा काम करता है, बाकी मुझे तो लगता है कि मार्केट में कुछ काम ही नहीं करता। और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पार्ट किसका है, तो प्राइस एक्शन का। अब प्राइस एक्शन सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन सीखोगे ना तभी मार्केट से पैसा निकाल पाओगे, तभी जो है यहाँ पे साइकोलॉजी समझ पाओगे बायर्स की और सेलर्स की। यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही बेस्ट वीडियो जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरे ही वीडियो है, लेकिन दोस्तों अगर आप उसको देखोगे ना, कसम से बोल रहा हूँ, एक वीडियो में जो आप प्राइस एक्शन का मतलब जो एकदम अच्छे से ग्रेजुएट कर लोगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप सबको समझ में आया होगा। आप घर पे भी दोस्तों आप अपना एक बार जरूर ट्राई करना, अलग अलग चार्ट को खोलना, अलग अलग टाइम फ्रेम पे भी देख लेना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हर बार आपको वर्क करता हुआ नजर आएगा, हर बार आपको जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो काम करता हुआ ही दिखेगा। दोस्तों जितनी बार मैंने देखा है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट उठा है और नीचे गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप इस वीडियो को पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जिसको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, जो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं।